बेशक सभी का किस्मत एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक टैरो कार्ड किस्मत बदलने में सहायक हो सकता है। एक सही मार्गदर्शन हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकता है। जानिए ओशो टैरो कार्ड के द्वारा किस्मत कनेक्शन और ओशो टैरो कार्ड के मार्गदर्शन मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ BCN न्यूज चैनल पर। नमस्कार, BCN न्यूज के भविष्य मार्गदर्शन में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम और एक और बार फिर से आ चुके हैं आपकी जितनी भी उलझने हैं उनका निवारण करने के लिए आचार्य श्रद्धानंद मोहन जी से। पहले भी हमने टैरो कार्ड के जरिए आचार्य जी के सामने आपके कुछ सवाल रखे थे और उसके बाद आज हम आ चुके हैं यहाँ पे उन सारे जो सवाल है उनका जवाब जानने के लिए जो आपने फिर हमें भेजे। आचार्य जी स्वागत है आपका फिर से एक और बार। और जिस तरीके से आपने हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इतने सारे सवाल भेजे, उसमें से कुछ चुनिंदा सवाल जो है हमने यहाँ पे आज हमारे शो में लिए हैं। आचार्य जी सबसे पहले सवाल से शुरुआत करते हैं और प्रदीप सिंह जी का है जो है पहला सवाल है इनका, और इनकी जन्म तारीख जो है 1986 है। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? ये जानना चाहते हैं कि इनका करियर कैसा रहेगा और थोड़ा सा पैसों को लेकर इन्होंने सवाल पूछा था कि किस तरीके से जीवन में पैसों की आवक रहेगी करियर से संबंधित। देखिए, पहली बात सारे दर्शकों से मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर प्रश्न पूछते हैं प्रश्न के साथ साथ अपना जन्म तारीख के साथ जन्म समय और जन्म गाँव अवश्य दें ताकि मैं आपको पूरा फरादेश कर पाऊँ पत्रिका के बारे में, पहला। और दूसरे देखो, आपने जो ये पूछा है अभी फिलहाल अपने पास सिर्फ इनका जन्म तारीख है। जन्म तारीख से सिर्फ अपने को इनका नक्षत्र और राशि पता चलता है। जिस प्रकार से इनका राशि बन रहा है, कर्क राशि पुष्य नक्षत्र बन रहा है, इसके अनुसार जो फिनेंशियल कंडीशन है अभी थोड़ा फिलहाल इनका मंदी चल रहा है। अप्रैल के बाद इनका फिनेंशियल पोजिशन अच्छा बेहतर बनेगा। ये साल बहुत अच्छा रहेगा अप्रैल के बाद। जो इन्होंने टारगेट्स रखे हैं वो टारगेट सारे पूरे होने के योग बनते हैं। अभी फिलहाल के लिए इनको फिनेंशियल कंडीशंस जो अब टाइट हो गए हैं फिलहाल पिछले 6-7 महीने से, उसका निवारण करने के लिए आगे भी अच्छा होने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, गुरुवार के दिन हल्दी थोड़ा सा पानी में डालकर हल्दी वाला स्नान करना चाहिए, एक चिमट हल्दी डालकर नहाना चाहिए, और हो सके तो गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े पहने और कोई भी गजन बाबा या साई बाबा के मंदिर में जाके दर्शन करके आए गुरुवार के दिन। ये इनको फाइनेंशियल कंडीशन के लिए अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए भी लाभ रहेगा और इनके जो काम रुक रुक के बन रहे हैं वो काम बनने शुरू हो जाएंगे। ये था प्रदीप जी का सवाल जिनका जवाब आचार्य जी ने दिया। इसके बाद है मौसी मंसूरी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 25/9/91। हाँ जी, इनका सवाल है फैमिली मैटर से जुड़ा हुआ। इनके घर में कुछ पारिवारिक कलह चल रहा है और इन्हें जानना है कि वो कब कम होगा या कब खत्म हो जाएगा। देखिए, इनके पत्रिका में कैसा अभी पारिवारिक कलेश थोड़ा ज्यादा है क्योंकि घर में तनाव का माहौल बना रहता है। इन्होंने क्या करना चाहिए, हो सके तो गरीब बच्चों में मंगलवार के दिन मीठे बूंदी का दान करना चाहिए और हो सके तो जो गरीब बच्चे रहते हैं या वृद्ध रहते हैं लोग, उनको मंगलवार के दिन लाल रंग के वस्त्र का दान करेंगे तो इनका जो पारिवारिक समस्या जो है परेशानी है वो दूर होगा। और जो भी इनको अभी ये जो समस्या से जूझ रहे हैं जो भी हो रहा है, मेरे अनुसार ये 4 महीने के अंदर इन्होंने इसका बराबर एक सेटलमेंट, घर में शांति का माहौल बनाने का कोशिश करना चाहिए। अप्रैल के बाद थोड़े से घर में और थोड़ा सा परेशानी होने का, फिनेंशियल क्रंच होने का या फिर खर्चे अनाप शनाप होने के योग बनते हैं, तो हो सके तो ये अप्रैल के पहले इन्होंने हर मंगलवार को मीठा बच्चों में मीठे बूंदी का दान करें और लाल वस्त्र बच्चों को अगर दान करेंगे तो बहुत सही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। अगला सवाल हमारा सचिन बोरकर जी, इन्होंने भेजा है 7/9/76 इनकी जन्म तारीख है। इनका सवाल स्वास्थ्य से जुड़ा है। इनका कहना है कि इनकी हेल्थ आने वाले समय में किस तरह की रहेगी और क्या इन्हें आगे कोई स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो सकती है या नहीं।
देखिए इनका भी नाम क्या होता है सर, भाई साहब सचिन, हाँ सचिन जी का भी अपने पास सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है, समय नहीं है, जन्म गांव नहीं है, तो इसके अनुसार राशि के ऊपर जो कथन बनता है वही बोल पाएंगे। देखिए पहली बात, इनको जो समस्या है तबियत संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है, उस समस्या के लिए इन्होंने अभी फिलहाल इनको साढ़े साथी चालू हुआ है। साढ़े साथी के चालू होने के चलते हर शनिवार को शनिदेव को दर्शन करना है, हनुमान जी का दर्शन करना है, और हो सके तो 1.25 किलो उड़द का दाल, भीगे चने साफ वाले या काले चने दाल 1.25 किलो हर शनिवार को शनि मंदिर में देना है, और हो सके तो एक पूजा भी हनुमान जी को देकर आना चाहिए हर शनिवार को। इससे इनका जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी वो कम होगा। हालांकि देखिए ज्योतिष शास्त्र में कैसा, अपने पास समय है, उनका जन्म स्थान है, तो हम पूरा विस्तार से बता पाएंगे। अभी फिलहाल कैसे, अपने पास सिर्फ जन्म तारीख है, जन्म तारीख के अनुसार हम सिर्फ राशिगत इनको भविष्यवाणी कर सकते हैं, जिसके अनुसार इनको शनि का जो साढ़े साथी के चलते इनको बहुत सारे परेशानियां चालू हुई हैं अभी, तो वो निदान होने के लिए अभी जो मैंने बताया वो शनिवार का दान पुण्य वगैरह जाप करेंगे, अच्छा साथ ही शनिदेव का जाप और हनुमान चालीसा नित्य नियम से पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। अगला सवाल जो है वो माइकल रामपुरे इनका है, और 30/11/90 इनकी जन्म तारीख है। 30/11/90 इनका सवाल नौकरी से जुड़ा हुआ है। इनका कहना है कि उन्हें जॉब चेंज करनी है और अच्छी नौकरी के उनके आसार कब है, मतलब क्या आने वाले समय में उन्हें अच्छी एक नौकरी मिल सकती है, ये जानना था उन्हें। बिल्कुल, देखिए अभी अप्रैल के बाद इनको अच्छा नौकरी मिलने का योग बनता है, अपने दोस्तों के द्वारा, अपने फ्रेंड सर्कल के द्वारा इनको अच्छे कॉन्टेक्ट बढ़ेंगे, कॉन्टेक्ट के द्वारा इनको अच्छे नौकरी, अच्छा प्लेसमेंट होने का योग बनता है, और कहीं पे दूर नागपुर के बाहर भी जाकर नौकरी करने का योग बनता है। इनको ज़रूरत है कि इन्होंने हर शनिवार को कुत्तों को मीठा रोटी खिलाएं और उड़द का दाल भिगा कर रात को, शुक्रवार के रात को भिगा कर सवेरे गाय को खिलाना शुरू करें शनिवार के सवेरे, तो इनको नौकरी संबंधी जो परेशानियां देखी जा रही है वो अवश्य कम होगी, उनको अच्छा कोई व्यवस्थित प्लेसमेंट मिलेगा। हमारा अगला सवाल है गौरव निवारे की ओर से, 1/2/97 इनकी जन्म तारीख है। इनका सवाल है कि इनकी शादी हो गई है पर फिर भी अभी भी वो सेटल नहीं हो पाए हैं किसी प्रॉपर काम में, तो ये जानना चाहते हैं कि कब ये सेटल होंगे, क्योंकि शादी भी हो गई है और एक कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना, मुश्किलें भी उनके सामने आ रही है। देखिए पहली बात कैसा है, अभी फिलहाल के लिए इनके राशि में राहु केतु का जो चलन है, जिसके वजह से इनको पारिवारिक जीवन में हो गया, रोजगार में हो गया, कामकाज में काफ़ी उथल पुथल देखना पड़ा है एक साल से काफ़ी। अभी भी थोड़ा सा अप्रैल तक का थोड़ा इनको परेशानी रहेगा, अप्रैल के बाद थोड़ा सा इनको व्यवस्थित कामकाज को लेके, पारिवारिक जीवन को लेके व्यवस्थित रहने का योग बनता है। इसके लिए देखिए अभी कामकाज के लिए क्या करना है, उन्हें नित्य नियम रोज सवेरे उठते ही नहाने के बाद सूरज को जल चढ़ाएं, उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी कुमकुम और थोड़ा अक्षत डालकर रोज सवेरे ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को बोलते हुए, गायत्री मंत्र को बोलते हुए रोज इन्होंने सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इससे इनके काम काज के जो रास्ते हैं बराबर खुलेंगे, और हो सके तो भगवान शंकर के मंदिर में 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो गेहूं रविवार के दिन जाकर भगवान शंकर को अर्पित कर दें, इससे इनका काम काज में व्यवस्थित होगा। और दूसरा, अगर माता पिता के साथ रहते हैं तो पिता के चरण छूकर अगर रोज घर से निकलेंगे तो इनको अवश्य बराबर इनको काम काज के अंदर अच्छा योग बनते दिखाई दे रहा आगे चल के। अगला सवाल हमारा है विक्रांत दुबे की ओर से, 22/4/81 इनकी जन्म तारीख है।
सवाल है बिजनेस या नौकरी, इन दोनों में से इनके लिए क्या सही रहेगा, उन्हें ये जानना था। देखिए इन साहब को तो मेरे हिसाब से नौकरी सही रहेगा। नौकरी के अंदर इनको कैसा है, पत्रिका के अंदर चार ग्रहों का योग है जो इनको कभी भी अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में इनको उन्नति मिलना थोड़ा मुश्किल है। ग्रहों का युद्ध जैसा बन गया है, तो जिसके वजह से इन्होंने अगर कहाँ पे नौकरी करेंगे उसमें भी एचआर के पोजीशन में, मैनेजरियल पोस्ट में या मैनेजमेंट तरीके से अगर वो काम करेंगे तो उनको सफलता ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। और अप्रैल के बाद और भी इनको तरक्की उन्नति मिलने के योग बनते हैं। अप्रैल तक का थोड़ा सा इनको स्ट्रगल है, अप्रैल के बाद रास्ता अच्छा मिलेगा, काम का इनके बनेंगे। ये था इसके बाद है हमारा एक आखिरी सवाल जो अमित सिंह जी की ओर से है। 12/1/83 ये जो है इनकी जन्म तारीख है। हाँ जी। और इनका सवाल था, ये खैर नौकरी करते हैं और ये जानना चाहते थे कि नौकरी में इन्हें प्रमोशन कब मिलेगा। देखिए मैं फिर वही दर्शकों से नम्र निवेदन करता हूँ, सारे दर्शकों से BCN के, ताकि जो प्रश्न पूछे अपने ज्योतिष शास्त्र में उन्होंने अपना जन्म तारीख, जन्म भेद और अपना जन्म गांव अवश्य बताएं, ताकि मैं पूरा विस्तार तरीके से आपको बता पाऊं। दूसरा कैसा है अपना ये जो इन्होंने प्रश्न पूछा है इनके नौकरी के लिए, तो नौकरी में देखिए इनको थोड़ा सा 7.5 के चलते बहुत स्ट्रगल दिखा इन्होंने पिछले 7-6 साल से। अभी 7.5 इनको और 1 साल बाकी है, 1 साल तक का थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, उसके बाद इनको नौकरी के लिए, कामकाज के लिए बहुत अच्छे रास्ते मिलने वाले हैं। और इन्होंने खास करके क्या करना है, अपना अप्रैल तक का थोड़ा सा गुरुवार के दिन गुरु के मंदिर जाना, थोड़ा सा नहाने वाले पानी में थोड़ा सा एक चिमट हल्दी डाल के नहाना, और गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहनने से इनको काम काज के अंदर 100% इनको अच्छा होगा, बराबर इनको व्यवस्थित मिलेगा। और हो सके तो, और दूसरा इन्होंने काम क्या करना चाहिए, हर अमावस्या वाले दिन एक नारियल हनुमान जी के मंदिर में जाके अर्पित कर दे, और वहां हो सके तो बैठ कर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके आएंगे, तो इनको जो ग्रह का योग बन रहा है पत्रिका के अनुसार, राशि के अनुसार, वो रास्ता छोड़ेगा इनको, और इनके जीवन में व्यवस्थित इनको प्रमोशन मिलना हो गया, कामकाज सुखद चलना हो गया, और उससे उनका अर्थोपार्जन अच्छे से होने का योग बनता है। जिस तरीके से आचार्य जी ने कहा कि जब आप आपकी डिटेल्स भेजते हैं तो आपका जब जन्म हुआ उसका समय भी है जो जरूरी होता है, और जहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ है वो भी बताइए, इससे कहीं ना कहीं आपकी जो भविष्य के बारे में जानने में आचार्य जी को कहीं ना कहीं आसानी होगी। तो फिलहाल ये जितने भी सवाल थे वो आज के लिए हमारे इतने ही। ऐसे ही अगर आपको भी आपसे जुड़ा कोई सवाल पूछना है तो हमें व्हाट्सएप नंबर नीचे है, आप उस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जितने भी आपके सवाल रहेंगे वो हम व्हाट्सएप पे पढ़ेंगे और उसके बाद आचार्य जी को बताएंगे और वो आपके जितने भी सवाल है उनका जवाब देंगे। फिलहाल बशर्ते हमारे दर्शक हमें जन्म तारीख के साथ जन्म समय और जन्म गांव अवश्य दे, ताकि आपका कुंडली पूरा निकाल पाए, कुंडली के द्वारा हम पूरा आपका भविष्य कथन कर पाए बराबर। फिलहाल हमारे इस शो में इतना ही, ऐसी अन्य और खबरों के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार। बेशक सभी का किस्मत एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक टैरो कार्ड किस्मत बदलने में सहायक हो सकता है। एक सही मार्गदर्शन हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकता है। जानिए ओशो टैरो कार्ड के द्वारा किस्मत कनेक्शन और ओशो टैरो कार्ड के मार्गदर्शन मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ BCN न्यूज चैनल पर।